अर्जुन और किरात। निर्जन वन में तपस्वी वेश में शिव तपस्या करते हुए अर्जुन दूर से जंगली सुअर की आवाज सुन तपस्या छोड़ अर्जुन सुअर पर बाण चला देता है और सुअर मर जाता है। अब इसका बाण निकाल देता हूँ। सावधान तपस्वी, यह मेरा शिकार है। नहीं, इस पर मैंने पहले बाण चलाया है, इसलिए यह मेरा शिकार है। तपस्वी, यदि तुमने अपना हट ना छोड़ा तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर विलंब किस बात का? यह शिकार किसका है, इसका निर्णय अब युद्ध ही करेगा। किरात अर्जुन युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर बाण चला रहे हैं। यह कोई साधारण धनुर्धर नहीं हो सकता, जिसे परास्त करने के लिए मुझे अपनी समस्त विद्या का प्रयोग करना पड़ रहा है। ना जाने मेरा शरीर थक क्यों रहा है। हे किरात, बाण युद्ध छोड़ो, अब मल्ल युद्ध को आओ। ठीक है। अर्जुन किरात के मध्य मल्ल युद्ध का आरंभ हो गया। दोनों एक दूसरे को पटकनी देते जा रहे हैं। हे किरात, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में अति आनंद आया, लेकिन जरा ठहरो, मैं अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लूं, तत्पश्चात पुनः तुम्हारे साथ युद्ध करता हूं। अरे यह क्या, यह तो मेरी ही पूजा में व्यस्त हो गया। अरे, मैं जो भी फूल बेलपत्र अपने आराध्य को अर्पण कर रहा हूं, उन सभी की वृष्टि किरात पर हो रही है, अर्थात यह किरात के रूप में भगवान शिव ही होंगे जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आए हैं। क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी पूजा अर्चना समाप्त हुई या नहीं? अर्जुन के विनती करने पर भगवान शिव का साक्षात प्रकट हो जाना। हे किरात, कृपा करके आप अपना सही परिचय दें। हे अर्जुन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, तुम वास्तव में वीर पुरुष हो। तुमने इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी साधारण मनुष्य पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। मैं तुम्हारी वीरता और तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें पशुपति नामक अमोघ दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए।